वेलकम टू एएसआर यंग गाइस। तो हमने पूरा एक वीक फ्री ये लाइव ऑनलाइन क्लास रखी है। बोर्ड ने एक्चुअली एग्जाम कैंसिल किया है, अंडरस्टैंड थोड़ा लो हो गए बच्चे के, अभी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है इतना पढ़ के, लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या होना है। बोर्ड एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर है आपका स्कूल लेवल का, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है अभी, और थोड़े थोड़े शॉर्ट बेसिस पे इसको आप इनिशियली एक स्टेज पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडिया भी यहाँ पे यही है, वी आर गोइंग एट अ स्लो पेस एंड वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज वी कैन। एकदम सिर्फ आप देखोगे तो अगर दिन में आप 1.5 घंटा सिर्फ ये लाइव ऑनलाइन क्लास है, और इसमें अंदर आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जिससे आप इजीली अपना सब्जेक्ट खुद से भी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और आपको एक बार समझ में आ गया तो आप उसके आंसर्स भी अच्छे से याद कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये देखिए हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी है, लाइव क्लासेस तो ये हम ले रहे हैं लेकिन ऑलरेडी सेम चीज़ है, रिकॉर्डेड वीडियोज ऑलरेडी है, वी हैव सीन दैट दे हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, तो उसके बेसिस पे हमने ये लाइव ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट की कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस तो देख ही रहे पर ये लाइव में भी आप देखें। तो ये अभी हमारा जो ये प्लान चल रहा है ये 1 मंथ का फ्री कोर्स का मैंने आपको बताया है, 19 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया, एक वीक हमने पूरा किया यूट्यूब लाइव पे। अगर आपको ये नेक्स्ट वीक भी करना है तो इसके लिए आपको हमें मिस्टर एक्स, आपका सवाल है कि मैम बोर्ड कैंसिल हो चुका है क्लास क्यों ले रहे हो आप, ये मैं 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ले रही हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स जो 2021 में बोर्ड देने वाले थे, ये जो 2022 में बोर्ड देने वाले ना उनके लिए ये बैच है, तो वो अभी से सीरियस हो जाए पढ़ाई करें तो उनके लिए बेस्ट होगा वो, और है काफ़ी बच्चे होते हैं जो सीरियस हो जाते हैं तो उनके लिए ये है। तो ये मंडे टू फ्राइडे जो बैच चलेगा ये देखिए इसका ये 2 to 2:45 एंड 3 to 3:45 ये टाइम है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से इजीली हमने स्टार्ट किया है इसको स्लोली, ये अभी हम लास्ट क्लास पे है, ज्योग्राफी हम कर रहे हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक अभी नेक्स्ट मंडे से आपको स्टार्ट होगा, तो ये होगा आपका हमारे ऐप पे, तो आपको उस पर लाइव ऑनलाइन क्लास इसी तरह से मिलेगी लेकिन उसमें आपको और बेटर इंटरेक्शन मिलेगा, आप ऑडियो से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ मैसेज कम चैट से भी कर सकते हैं और ऑडियो भी पॉसिबल है, तो दैट बिकम्स ईजियर एंड गिव्स अ मोर क्लासरूम लाइक फीलिंग, तो वो क्लासरूम कोर्स जैसा थोड़ा हो जाएगा लाइव क्लासरूम कोर्स। तो ये हमारा प्लान चलेगा, 1 मंथ के लिए कम्प्लीटली फ्री है, और हम नेक्स्ट वीक से हमने सोचा है कि अगर हो सके तो तभी से ही हम इवन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे मतलब कि आपका जो हमने साइंस 1 में जैसे ग्रेविटी पढ़ाया तो जितना पढ़ाया है अभी मंडे को भी जितना पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे हम टेस्ट ले सकते हैं। सो योर टेस्ट विल बी सिंपल MCQ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, तो आप इजीली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर कंपेयर भी कर सकते हैं, सो ऑल दैट विल बी पॉसिबल, तो ये आप इसके लिए हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। अगर आपको ये 1 मंथ फ्री कोर्स के बाद आपको ये डाउट भी है कि आगे कैसे चलेगा, ये प्लान क्या है एक्चुअली, तो आई लेट यू नो द प्लान टू, हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास जो चलेगी, मतलब आपको लाइव, नॉट यूट्यूब लाइव बट एक्चुअल लाइव क्लास, मतलब कि आपको फैकल्टी दिखेगी और आपको, मैं आपको भी देख सकूंगी, तो ऐसे पूरी लाइव क्लास चलेगी विथ लिमिटेड स्टूडेंट्स, वी डोंट वॉन्ट अ ह्यूज क्राउड, विथ अटेंशन टू ईच स्टूडेंट हु हैज एनरोल, तो हम हर एक बच्चा जो एनरोल करेगा उस पर ध्यान देना चाहते, तो हम अपना ऑनलाइन बैच भी भरना नहीं चाहते, वी वॉन्ट इंडिविजुअल अटेंशन बीन गिवन टू स्टूडेंट्स टू। तो यहाँ पे ये हमारा प्लान है, ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगी साइंस मैथ्स सोशल साइंस और हर एक सब्जेक्ट के लिए फीस, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए चाहते जैसे सिर्फ आप साइंस के लिए चाहते तो आप सिर्फ साइंस 1 साइंस 2 हमसे स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास में, तो उसकी ये फीस है ना, मैथ्स सिर्फ मैथ्स चाहिए, सिर्फ सोशल साइंस चाहिए, आपको सिर्फ एक एक सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स चाहिए तो उसका भी कोर्स है, तो दैट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्काउंटेड प्रेजेंटली, सो ये हमारा अर्ली बर्ड ऑफर फिलहाल के लिए, आप इसको डिस्काउंट में भी ले सकते हैं। सो दिस विल एक्चुअली स्टार्ट ऑफ, मतलब ये 1 मंथ का कंटिन्यूशन चलेगा, ये 1 मंथ का हो जाएगा, उसके बाद यू कैन स्टार्ट ऑफ विद ऑनलाइन लाइव क्लास एंड कंटिन्यू विद अस। और दूसरा है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास मतलब कि आपको लाइव क्लास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाए आपको क्लासेस का और आपको उससे आपका काम हो जाएगा, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको हर चैप्टर का पूरा डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन सारा कुछ क्वेश्चन सब मिलेगा, तो ये आपका 5000 फॉर द एंटायर ईयर, मतलब आपका 10th स्टैंडर्ड का पूरा साइंस का सिलेबस के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे फॉर 4,999, सो दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 5,000। सो दिस हैज़ बीन वेरी पॉपुलर, लास्ट ईयर भी हमने ये लिया था तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे ने एनरोल किया था, एंड बिलीव मी अगर रिकॉर्डिंग्स भी आप देखते हैं तो काफ़ी सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑफर अवेलेबल फॉर यू, यू कैन गो फॉर दीज रिकॉर्डेड क्लासेस। तो ये हमारे ऐप पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो वो आपको मिलते जाएंगे और आप उसे देख सकते हैं।
तो उसको भी हम यहाँ पे आपको अकेला नहीं छोड़ते, इवन आप ये कोर्स भी लोगे तो आपके साथ सेशंस होते हैं हमारे, जिसके अंदर आपके डाउट्स अगर कुछ आते हैं तो वो हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते रहते हैं, तो वो होते रहते हैं, तो उनमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो दैट. तो ये आप साइंस, सिर्फ साइंस, इसमें भी आप सिर्फ साइंस का सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, मैथ्स का सिर्फ लेना चाहते हैं या सिर्फ और एक लैंग्वेज का लेना चाहते हैं, जो आपको चाहिए. तो आपका ये फीस है एंड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वो डिस्काउंटेड फीस यहाँ पे. तो ऑल सब्जेक्ट्स जब आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है एंड दिस इज फर्दर डिस्काउंट ऑन दैट ऑल्सो. तो ये है, दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन एनरोल विथ अस. मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास पढ़िए, आप एक सब्जेक्ट चाहिए तो वो हमारे पास पढ़िए, लाइव में पढ़िए, और अगर आपको फीस वो भी हाई लग रही है तो आप रिकॉर्डेड में भी ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल दी ऑफर्स अवेलेबल टू यू एंड यू कैन एनरोल. कॉल अस एंड गेट द डिटेल्स एंड एनरोल विथ अस. द सूनर यू स्टार्ट द बेटर फॉर यू. हम देखते हैं काफ़ी बच्चे आते हैं लेकिन बहुत लेट आते हैं, तो फिर आपको ही वो दिक्कत आती है. अब जल्दी स्टार्ट करोगे और एक स्लो पेस में भी जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो ये हो गई बात हमारी. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे. अब मुझे पीयूष है ना, पीयूष ने कहा कि चैप्टर ये जो है हमारा फील्ड विजिट, ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन का क्या है. तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम चैप्टर टू भी आज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन चैप्टर वन में भी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे. आई नो चैप्टर वन का भी रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आप वो देखोगे, यूट्यूब पे भी है, इनिशियल रिकॉर्डेड वीडियोस हमने यूट्यूब पे भी डाले. सो दोज आर ऑल्सो देयर, तो वो आप देख सकते हैं. तो वो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम चैप्टर टू भी आज स्टार्ट कर सकते हैं, कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो ये देखिए, तो ये ज्योग्राफी का हमने चैप्टर वन देखा, फील्ड विजिट. अब फील्ड विजिट क्या है कि हम एक्चुअली कोई रीजन पे फील्ड विजिट पे जाएं, तो फील्ड विजिट हमारा जल्दी कवर हो जाता है, तो हम लोकेशन एंड एक्सटेंट भी आज स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ये देखिए फील्ड विजिट चैप्टर है. तो मैंने इसको लंबा खींचा भी नहीं, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी जो यूट्यूब पे आप देखोगे तो उसमें भी मैंने क्विकली इसको कवर किया, क्योंकि हमको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमें सवाल जो पूछेंगे उसको आंसर्स हमें आने चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है ना. तो ये मतलब फील्ड विजिट पे हम जा रहे हैं, जैसे कि कोई जगह पे हम जाते हैं फील्ड विजिट पे, तो वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है उस जगह का, तो उस जगह का हमें जो है, ये देखिए सबसे पहले है हमें उस रिलीफ उस जगह का पता होना चाहिए. मतलब क्या होता है, हम कोई भी विजिट पे जाते हैं, जैसे हम अगर सिटी से जा रहे हैं या विलेज से कहीं और इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, तो जो होता है हमारा एक जगह चेंज होती है. जैसे हम बस से या कोई व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम देखेंगे रास्ते में जगह चेंज होते जाती है. क्या क्या चेंज होता है, रिलीफ चेंज होता है. रिलीफ का क्या मतलब होता है ज्योग्राफी में, रिलीफ मतलब के कैसा ऊंचा नीचा कहाँ है, पहाड़ी है कि प्लेन इलाका है, कैसा है, तो वो रिलीफ होता है ना. तो रिलीफ चेंज होता है, मतलब इट्स इट अ प्लेन, अ प्लेटो, अ माउंटेनस रीजन, अ डेजर्ट, वट एवर. सो दैट इज रिलीफ. सेकेंड इज सॉइल, मतलब मिट्टी कैसी है वहाँ पे, कहीं पे काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, तो सॉइल कैसी है दूसरी चीज. तीसरी चीज वेजिटेशन चेंज होता है, मतलब वेजिटेशन कहीं पे बहुत घने घने पेड़ होते हैं, घने भरे हरियाली होती है, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे अलग तरह के पेड़ होते हैं, तो वेजिटेशन चेंज होता है, कहीं पे सिर्फ घास होती है. और ह्यूमन सेटलमेंट्स चेंज होते हैं, कहीं पे बहुत क्राउडेड ह्यूमन सेटलमेंट्स है, काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, और कहीं पे एकदम कम डिस्टेंस, बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे घर होते हैं, ऐसा होता है. तो दैट इज हाउ वी सी दैट ऑल दीज फोर चेंजेस थिंग्स चेंज. तो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग चेंजेस अकरिंग इन दीज फोर थिंग्स एज दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पे भी आपका सवाल आ सकता है, उनको पूछने के लिए वो सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आप फील्ड विजिट पे जा रहे हैं तो ऑन द वे क्या क्या चेंज होगा, ज्योग्राफिकली आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज हो रहा है. तो रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट, या ट्रू एंड फॉल्स में भी ऐसा कुछ सवाल आ सकता है. तो ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं, ये चार चीज़ें, ठीक है. तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको मार्क करना है. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसके अंदर बच्चे जा रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, दे आर गोइंग फ्रॉम विद ए टीचर, दे आर गोइंग फ्रॉम, ये क्या लिखा है, ये रहा, ट्रैवल फ्रॉम नालदुर्ग टू अलीबाग. तो नालदुर्ग से ये अलीबाग को ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द वे यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए उनको यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो डायग्राम भी दिया है, फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट. अगर आप फील्ड विजिट पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या कैरी करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है. देखिए हमारा 10th स्टैंडर्ड जो अभी 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ, जो बच्चे अब पास हो रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया था, तो उसमें भी फील्ड विजिट पे क्वेश्चंस है. और ये यहाँ पे जैसे सवाल, ये टेक्स्ट बुक के सवाल नहीं बल्कि टेक्स्चुअल सवाल, मतलब एक्सरसाइज के सवाल नहीं है पर टेक्स्चुअल सवाल भी है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप देखोगे फील्ड विजिट की तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ भी चुके हैं बोर्ड में, मतलब 2019-20 में भी पूछ चुके, 21 का तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हो रहा है, 19-20 में भी पूछ चुके, और क्वेश्चन बैंक में भी सवाल है. तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर कैंसिल हो गया है कुछ नहीं करना है इसमें से, ऐसा नहीं है.
चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है पर ज़्यादा नहीं है, वो अग्रीड है। तो ये देखिए फील्ड विजिट पे अगर आप जाओगे तो आपको क्या क्या कैरी करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ एरिया के लिए मैप चाहिए आपको, तो मैप कैरी करोगे आप नंबर वन। कंपस कैरी करोगे डायरेक्शन पता करने के लिए, है ना। फील्ड फर्स्ट एड कैरी करोगे, किसी को कुछ चोट वोट लग गई तो आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए। धूप होगी तो कैप कैरी करोगे, दूर का देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स, फोटोज निकालने के लिए कैमरा, कुछ नोट डाउन करने के लिए नोटबुक पेन पेंसिल ऐसे, और पानी और बैग। आपकी बैग में आप सब कंटेंट कैरी करोगे, पानी पीने के लिए चाहिए आप फील्ड विजिट पे जा रहे हो तो। तो दीज आर द थिंग्स यू नो विच अ स्टूडेंट शुड कैरी वेल गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट। तो ये भी सवाल है, यहाँ पे भी पूछ चुके सवाल, कोई ऐसी चीज़ बता देते फाइंड द ऑड वन आउट कि इस सब में से क्या फील्ड विजिट पे एसेंशियल आइटम नहीं है कैरी करने के लिए, तो कुछ अलग सही दे देंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे भी आपको अटेंशन देना है इस बात पे, है ना। तो ये है, फिर यहाँ पे आता है ये देखिए, तो नोटबुक पे क्या रेफरेंस करना है, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ या टीचर बोलती है ना, ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ द साइड्स अलोंग द रोड एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक विद रेफरेंस टू दीज पॉइंट्स। मतलब आप फील्ड विजिट पे जाओ तो आपको क्या क्या चीज़ों को नोट डाउन करना है। तो हमने ऑलरेडी देखा रिलीफ, देखा सॉइल, देखा वेजिटेशन, देखा ह्यूमन सेटलमेंट देखा। इसके अलावा फिर वेजिटेशन में ही एग्रीकल्चर भी आ जाता है कि हरियाली कैसी है, एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे है। और ह्यूमन सेटलमेंट में और एक पॉइंट आ जाता है कि सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, है ना, कि बहुत घना है लीनियर सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट आपका एक्चुअली पूरा ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आप देखोगे। तो सेटलमेंट पैटर्न भी नोट डाउन करना है। और वाटर बॉडीज भी रिलीफ में आ जाता है कि पहाड़ी है ऊंचा नीचा है, तो वाटर बॉडीज भी कुछ लेक है रिवर है कुछ है, तो वो भी नोट डाउन करना है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच टीचर टेल स्टूडेंट्स टू नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। तो राहुल एक बच्चा है वो कहता है कि अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है ना। अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मतलब बीच बीच में प्लेन्स भी दिख रहे हैं, मतलब कि अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मतलब कि प्लेन्स सीधा सीधा नहीं है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा भी है, प्लेन्स भी आते हैं और एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी दिख रहे हैं, वो कहता है ना। इसके बाद यहाँ पे फिर अब देखिए यहाँ पे बालाघाट रेंजेस के पास भी वो आते हैं ना। बालाघाट रेंजेस मतलब माउंटेनस रीजन है ये, तो यहाँ पे आगे भी रूरल एरिया से आगे बढ़ते हैं वो, तो है ना यहाँ पे रूरल एरियाज है, तो रूरल एरियाज में स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे रोड्स पे हाउसेज है, लीनियर सेटलमेंट है। लीनियर सेटलमेंट का मतलब भी आपको एक्चुअली आगे भी आएगा ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में भी। और ये लीनियर सेटलमेंट जो है ये क्या होता है कि सीधी सीधी लाइन में सेटलमेंट है। लीनियर मतलब लाइन ना, एक लाइन में सेटलमेंट है तो उसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं, है ना। लीनियर होता है, रेडियल होता है कि एक सेंटर पॉइंट जहाँ है उसके आसपास पूरा सेटलमेंट घना सेटलमेंट हो गया, तो ऐसा भी होता है, तो ये लीनियर सेटलमेंट है। और हाउसेस कैसे, गांव है तो यहाँ पे पक्के हाउसेस नहीं है, कैसे हाउसेस है, मड एंड वुड हाउसेस है, है ना। ये देखो दाभ्याची घर है, फिर मतलब मट्टी के घर है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अभी श्रब क्रॉप्स है और शुगर केन क्रॉप्स इनको यहाँ दिखते हैं, तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज, क्योंकि शुगर केन एक क्रॉप है जिसको बहुत पानी चाहता है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगहों पे शुगर केन क्रॉप्स होते हैं और ये शुगर केन क्रॉप्स में बहुत पानी लगता है, इरिगेशन लगता है, तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जितना पानी इसको लगता है उसमें हम और बाकी क्रॉप्स भी अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन शुगर केन को इतना पानी लगता ही है, तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होती है, वहाँ शुगर केन कल्टिवेशन भी होता है। फिर इनको रिवर भीमा दिखती है ऑन द वे, उजनी डैम दिखता है ना, डेक्कन प्लेटो के ये पार्ट्स है ना, तो प्लेन रीजन से अभी वो डेक्कन प्लेटो है ना, डेक्कन प्लेटो के पार्ट्स पे आ रहे हैं। डेक्कन पूरा महाराष्ट्र इज कवर्ड बाय मेनली डेक्कन प्लेटो ओनली। फिर देखो यहाँ पे ट्रीज उनको दिखते, पहले श्रब्स थे अभी आगे बढ़ के उनको ट्रीज दिखे, ये बबूल जुजुबे ट्रीज दिखे इनके। तो ये ट्रीज कौन से है, ये सेमी एरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन है। बबूल ट्री और ये जो बोर का झाड़ है ये सेमी एरिड है, थॉर्नी है, मतलब श्रब से धीरे धीरे अभी वो थॉर्नी वेजिटेशन पे आ रहे हैं। पहले छोटे छोटे घास ही थे, अभी ट्रीज ऐसे दिख रहे हैं, सेमी एरिड ट्रीज दिख रहे हैं, है ना। तो चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन दिख रहा है अब उनको। फिर आगे जाके फिर ना जो है कोस्ट के पास उनको पूरे प्रॉपर पेड़ दिखेंगे ऐसे, जो है ये थॉर्नी वेजिटेशन है ना? तो ये है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। ये ट्रू ऑफ फॉल्स में सवाल आ चुका है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर वेजिटेशन चेंज हो रहा है, मतलब कि श्रब्स थे पहले, घास थी, श्रब्स मतलब छोटे छोटे घास जैसे ऐसे छोटे क्रॉप्स, और ये ट्री आ गए अब,
तो वेजिटेशन श्रब से अब ट्रीज पे अगर हम आ गए तो चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है वहाँ श्रब्स होते हैं, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो यहाँ पे ट्रीज होंगे। सो दैट इज द डिफरेंस विच वी सी। सो ये हमारा जो है ये चेंज इन वेजिटेशन इंडिकेट्स चेंज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा, तो ट्रू और फॉल्स में ये ट्रू होगा, ठीक है। Amrunal says that first chapter is very easy. I have learned that by your explanation in YouTube's recorded video and got it perfectly. Yes, thank you. You have explained it very well. Thank you. Thank you. Thank you, Amrunal. तो हम यहाँ पे देख लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, हम ये क्विकली कवर कर रहे हैं। फिर आता है सिंहगढ़ फोर्ट के पास भी ये पहुँचते हैं, ये लोग जा रहे हैं अलीबाग, है ना। फिर रग्ड टोपोग्राफी आती है, रग्ड टोपोग्राफी मतलब ऊंचा नीचा, ऐसे पथरीले रास्ते आते हैं उनके रास्ते में। वेजिटेशन मतलब के यश इज आस्किंग व्हाट इज वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब क्या ग्रो हो रहा है ना, हम वेजिटेशन मतलब के प्लांट्स क्या ग्रो हो रहे हैं, कैसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, छोटे छोटे घास है के बड़े पेड़ है, और कैसे टाइप के पेड़ है, पेड़ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, थॉर्नी ट्रीज भी होते हैं, ये जो है हमने देखा ना यहाँ पे बबूल और बोर, ये थॉर्नी वेजिटेशन है, मतलब कि ये छोटे हाइट के होते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, ज़्यादा छोटे हाइट के होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और ज़्यादा ऐसे सेमी एरिड रीजन्स में होते हैं, मतलब इनको ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, तो सेमी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन है ये, है ना। इनके कांटे भी होते हैं बबूल के पेड़ में भी, आपने सुना होगा, तो ये है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आगे वो पहुँचते, तो यहाँ पे उनको रॉक्स भी अलग टाइप के दिखते हैं, बसॉल्ट रॉक दिखता है, तो बसॉल्ट रॉक जो है हमारा पूरा जो डेक्कन प्लेटो है वो बसॉल्ट रॉक से बना है, दिस इज एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक होता है, रॉक्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी, तो बसॉल्ट इज एन इग्नियस रॉक। मतलब क्या होता है, ये डेक्कन प्लेटो जो हमारा है ना, मतलब महाराष्ट्र पूरा जो मेन इंटीरियर पूरा है वो डेक्कन प्लेटो से बना है, तो डेक्कन प्लेटो है वो प्लेटो कैसे बना है, वॉल्केनिक इरप्शन से, मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक माउंटेन नहीं बना ये, स्लो मतलब ऐसा प्लेन में ही धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, धीरे धीरे ही लावा अंदर से निकलता है, मैग्मा निकल के लावा बनता है, तो वो टाइम पे वो मतलब कड़क हो जाता है, वो मोल्टन लावा होता है, वो जब कड़क हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसके बाद वो मोल्टन लावा सूख के वो पूरा प्लेन एक बन गया, तो एक प्लेटो बन गया, तो हमारा जो पूरा डेक्कन प्लेटो है वो ऐसे लावा है, है ना। तो ये जो है इसको ये जो रॉक है वो कौन सा टाइप का, इग्नियस टाइप का, तो इग्नियस रॉक्स जो है ये ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन से ही ऐसे बनते हैं, और ये रॉक का टाइप जो है उसे क्या कहा जाता है, बसॉल्ट रॉक, सो बसॉल्ट इज एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक, तो इससे हमारा डेक्कन प्लेटो बना हुआ है। फिर पल्सेस है, शुगर केन, पैडी फील्ड्स, ये सब भी है, पल्सेस भी दिखते हैं उनको, मतलब एग्रीकल्चर भी अब शुरू हो रहा है यहाँ पे। नलदुर्ग फोर्ट भी उनको दिखता है, उनके जगह जहाँ से वो शुरू किए नलदुर्ग, वो एक फोर्ट है, तो वो फोर्ट कहाँ पे, जमीन पे, लैंड पे, है ना। वॉल्केनोज अभी नहीं है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ लेकिन अभी वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पे नहीं होगा, डेक्कन प्लेटो में अभी कोई वॉल्केनो नहीं है, वॉल्केनो कहीं भी हो सकता है, सो वॉल्केनिक इरप्शन ऐसा कुछ नहीं, अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर जो है, अगर हम ज्योग्राफी पढ़े तो अर्थ के अंदर जो है मोल्टन है ना, मोल्टन है मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो वहाँ पे अंदर कुछ एक्टिविटी होती है, तो कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, तो ये आपका और ज्योग्राफी डिटेल में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, प्लेट जब आपस में अंदर ना अर्थ के अंदर घिसती है तो वहाँ पे इरप्शन होता है, और वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वो पूरा जो है एरिया को भी वो अफेक्ट करता है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वॉल्केनिक इरप्शंस आर नॉट सो फ्रीक्वेंट, और इंडिया में तो एक्टिव वॉल्केनोज है ही नहीं, मेनलैंड इंडिया में नहीं है, तो ओनली एक्टिव वॉल्केनो हम ज्योग्राफी में ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी आगे पढ़ने वाले, ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, बैरन आइलैंड करके, तो ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, तो अभी वो वॉल्केनो डेड हो गया, मतलब अभी वो एक्टिव नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई अभी वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर मेनी इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, अभी कोई नो वॉल्केनिक इरप्शन कुछ हुआ नहीं है, मोर देन थाउजेंड्स आई शुड से, लैक्स ऑफ इयर्स ऐसे, तो अभी वॉल्केनिक इरप्शन कोई नहीं हुआ, पहले हुआ था तब ये डेक्कन प्लेटो बना, तो ये जो अर्थ बना वो टाइम का ऐसे, तब उसके बाद की बात है कि डेक्कन प्लेटो जो है वॉल्केनिक इरप्शन से बना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और एक चीज वो देखते हैं, वो होता है ये देवतक्के, देवतक्के क्या होता है ये देखिए यहाँ लिखा है सेक्रेट टैंक, है ना। सेक्रेट टैंक मतलब क्या, ये मतलब कि पानी का, पानी है लेकिन वो पानी को ऐसे होली माना जाता है कि यहाँ पे मतलब उसको ध्यान रखना है, सेक्रेट टैंक्स होती है, तो उसको देव तक के बोलते हैं, मतलब देव का वहाँ पे स्थान है वो, तो उसको संभाल के ऐसे रखा जाता है, उसके पानी को ऐसे होली वाटर मान के लिया जाता है, तो उसको मतलब ज़्यादा वहाँ पोल्यूशन वगैरह ना हो, इसलिए ये ऐसे देव तक के ऐसे हमें एरियाज में दिखते हैं, तो ये देखो ये देव तक के है, यहाँ पे कहा जा रहा है सेक्रेट टैंक उनको दिखती है। फिर उसके बाद
वो लोग यहाँ पे देखो, फिर वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पे वो वेस्टर्न घाट्स तक पहुंच गए। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे? बॉर्डर पे। मतलब अगर हम हमारा ये जो मैप है देखे, ये जो है इनका मैप, ये लेकर चले थे ना, ये रहा इनका मैप, ये रहा। तो ये जो है ना, ये पूरा डेक्कन प्लेटो है, ये अलीबाग, अलीबाग मुंबई के पास ही है, तो ये अलीबाग है। तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे इनका जो रीजन है, ये डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट्स, ये बॉर्डर पे यहाँ पे आता है। मतलब ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं थे, अब वो लोग यहाँ तक आके, अब पुणे के बाद यहाँ पे ऐसे वेस्टर्न घाट्स की तरफ वो आ रहे हैं। तो वो लोग वेस्टर्न घाट्स पहुंचे, तो वो तब टीचर उनको क्या बता रही है वो हम देखेंगे। डेक्कन प्लेटो हुआ, वेजिटेशन, तो वेस्टर्न घाट्स में उनको क्या बोलते हैं, दीज आर द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मतलब वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स भी उनको दिखे, एंड इनको सह्याद्रीज बोलते हैं। है ना, वेस्टर्न घाट्स के जो हमारे पास जो माउंटेन्स हैं उनको सह्याद्री माउंटेन्स बोलते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स ही सह्याद्री माउंटेन्स है ना। तो ये जेंटल स्लोप है, ईस्ट की तरफ जेंटल स्लोप है और वेस्ट की तरफ स्टीप स्लोप है। मतलब क्या, ईस्ट की तरफ मतलब कोस्ट की तरफ वेस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है ना हमारा, महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्ट आता है। ईस्टर्न साइड पे तो हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि ना हमारे क्या बोलते हैं गढ़चिरौली वगैरह जो है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ ईस्टर्न स्लोप पे हमारे मुंबई जो है वेस्ट स्लोप है, वेस्टर्न साइड पे तो स्टीप स्लोप है, वेस्ट साइड पे स्टीप स्लोप है, क्योंकि माउंटेन्स यहाँ पे कोस्टल एरिया के पास है, तो वेस्ट कोस्टल प्लेन के बाद माउंटेन्स है, तो वो कोस्टल एरिया के पास वहाँ पे स्टीप स्लोप है। स्टीप मतलब के स्ट्रेट, मतलब ऐसे हमको अगर कोई लैडर चढ़नी है, आपको सीढ़ी चढ़नी है, सीढ़ी को अगर हम सीधी स्ट्रेट खड़ी कर दें तो चढ़ना मुश्किल होता है, थोड़ा स्लैंट करके रखेंगे तो चढ़ना इजी हो जाता है। तो स्टीप स्लोप मतलब वो एकदम स्ट्रेट ऊपर ऊंचा जाता है, एंगल नहीं है, कर्व ऐसा मतलब, तो उसको स्टीप स्लोप कहते हैं। और यहाँ पे जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप मतलब के जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको अगर मैं इमेज बना के, ये जो है मेरा, ये अगर मेरा, अगर मैंने ऐसा स्लांट बनाया तो ये मेरा स्लोप है ना। अगर मैंने एकदम ऐसा स्ट्रेट बनाया, एकदम से स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा तो होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट बनाया तो ये स्टीप स्लोप है। तो पहाड़ जो है वो कैसा है, ये यहाँ पे, तो मेरा पहाड़ समझो ऐसा है, यहाँ पे स्टीप है और यहाँ पे जेंटल है ना। तो दिस इज व्हाट इट सेज, यहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, थोड़ा एक स्लोप मिलता है, यहाँ पे एकदम सीधा सीधा स्टीप स्लोप है, एकदम से स्ट्रेट ना, पर एकदम मतलब एकदम ऊंचाई पे ऐसे सीधा ऊंचा जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स हमारे ऐसे, मतलब ये कोस्ट है मुंबई के पास, तो मुंबई के पास यहाँ पे कोस्ट के पास जो है सीधा स्टीप स्लोप है, और फिर हम अगर अंदर जाएंगे पुणे की तरफ और अगर आगे तरफ जाते उस तरफ देखते तो यहाँ पे एक जेंटल स्लोप है। तो ये लोग यहाँ से आ रहे हैं ना, तो इनको जेंटल स्लोप दे रहे हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट स्लोप्स, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। और टू द वेस्ट यू कैन सी क्लिफ्स एंड वाटरफॉल्स। वेस्ट साइड पे यहाँ पे फिर स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे क्लिफ्स भी दिखते हैं, मतलब छोटी छोटी ऐसी चोटियां, और वाटरफॉल्स भी दिखते, पानी उनमें से वाटरफॉल आ रहा है ना, तो ये दिखाई देता है यहाँ पे। और ये सब जो है ये सोर्सेज ऑफ रिवर है, मतलब यहाँ वेस्टर्न घाट से यहाँ पे जो है पानी, नदियां बहती है, और नदियां बहती किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। कौन सी नदियां है आपको पता होना चाहिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो है इनका ओरिजिन यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ से निकल के वो रिवर्स आगे बहती है। तो सोर्स ऑफ रिवर उल्हास है ना, ये उल्हास रिवर जो उनको रास्ते में दिखी थी वो भी एक मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसका भी सोर्स यहाँ वेस्टर्न घाट से ही है। तो रास्ते में उनको देखो, आप डायग्राम भी देखोगे ऊपर मैप, तो उसमें उल्हास नदी दिखाई गई है, तो उल्हास रिवर का सोर्स भी यहीं से वेस्टर्न घाट से है ना। तो ये ईस्ट की तरफ बहती है नदियाँ, पूरा ईस्ट की तरफ मतलब पूरा महाराष्ट्र में पूरा एंड तक, मतलब इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां तक जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के वहां जाके ड्रेन आउट होती है ऐसे। तो ये रिवर्स है। फिर आता है हमारा घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में सारे घाट्स भी दिखते हैं, भोर घाट, खंडाला घाट। घाट मतलब क्या, कि जहाँ से हम दो माउंटेन के थ्रू क्रॉस कर सके, तो भोर घाट, खंडाला घाट ये भी है यहाँ पे। और ये वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री हम क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद आएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जहाँ पे अलीबाग भी है ना, प्लेन है वो नदी, नदी की नदी, रिवर, ओशन के पास। तो ओशन के पास ये जो है हमारा अलीबाग, वो कोस्ट पे, तो कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्लेन है, और यहाँ पे ट्रीज भी कैसे, अब ये पूरे हरे भरे ट्रीज हो गए, बड़े बड़े पत्तों वाले, ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज है यहाँ पे।
टीक ट्री ये सब दिखते हैं यहाँ पे, डेसीडियस ट्रीज बोलते हैं इनको। टीक जो है डेसीडियस ट्री है, मतलब के डेसीडियस ट्रीज मतलब के जो ट्रीज गर्मी में अपने सारे पत्ते झड़ देते हैं, तो सब पत्ते झड़ जाते हैं फिर वापस से उनके पत्ते आ जाते हैं। तो ये ट्रीज जो है, तो पहले हमने देखे थॉर्नी ट्रीज थे सेमी एरिड, अब ये टीक जो आया वो डेसीडियस ट्री है। यहाँ पे वन राइज और देव राइज भी है, सेक्रेट ग्रव्स जैसे हमने देखा सेक्रेट टैंक्स होते हैं, पानी को भी मतलब सेक्रेट मान के होली मान के उसको प्रिजर्व किया जाता है, वैसे ही फॉरेस्ट रीजन को भी ऐसे सेक्रेट ग्रोव्स बोल के देवराय या वनराय बोल के प्रिजर्व किया जाता है, तो वो भी यहाँ दिखाई देता है ना। एंड वेदर भी ये कह रहे हैं यहाँ पे वेदर इज गेटिंग हॉटर है ना, सो वेदर भी यहाँ पे अभी हॉटर हो रही है, मतलब गर्मी पसीना भी होने लगता है। और फाइनली वो पहुँचते सी की तरफ, और कौन सा सी है महाराष्ट्र कोस्ट पे यहाँ पे, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी तक वो पहुँचते है ना। ये देवराय वगैरह भी दिखाया गया है, देखिए ये देवराय सेक्रेट ग्रोव है ना, वन राय मतलब वन मतलब फॉरेस्ट, तो वन राय मतलब ऐसे करके सिर्फ देवस्थान है, वन राय है ये ऐसा। फिर वो लोग अलीबाग फोर्ट पहुंचते हैं, अलीबाग फोर्ट का दूसरा नाम है कोलाबा फोर्ट, तो इसे कोलाबा या अलीबाग फोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स दिखते हैं वो लैंडफॉर्म्स कैसे है, ये है फॉर्म्ड बाय सी वेव्स, तो सी वेव्स से यहाँ पे सारे लैंडफॉर्म्स बनाए गए, सी केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म, सैंड बार्स, ये सब सैंड पानी की लहरों की वजह से जो सारे होते हैं वो बनते हैं, सी वेव, सी केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म्स ऐसे। यस आकाश, आकाश सेज आई हैव अ डाउट इन साइंस चैप्टर वन न्यूमेरिकल्स, सो इफ यू हैव अ डाउट इन साइंस चैप्टर वन न्यूमेरिकल्स, हम ज्योग्राफी में तो वो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो बार बार यही बात बोल के आप क्या प्रूव करना चाहते हो, यू कैन डू दैट सोल्यूशन, यू कैन सॉल्व दैट, जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें आप अपना डाउट वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हम उसको आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस समझना है तो हम आपको कॉन्टैक्ट करो, हमको आपको बता देंगे हम कैसे हम आपको सेशन ले सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो सी के वेव कट प्लेटफॉर्म्स एंड सैंड बार्स ये है हमारा। तो अब यहाँ पे ये जो है कोलाबा सी फोर्ट है, यहाँ पे और भी है सिंधुदुर्ग, जलजीरा, ये सारे भी सी फोर्ट्स है, तो लैंड फोर्ट थे वो जब आए थे वहाँ से, हमने देखा मैप में द प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, जो इस बच्चे आए फिर फील्ड विजिट एग्जाम्पल में नलदुर्ग से आए, नलदुर्ग वॉज अ लैंड फोर्ट है ना, उन्होंने बोला भी फोर्ट ऑन लैंड है। अब अलीबाग जो है ये सी फोर्ट है, और बाकी सी फोर्ट्स के भी नाम उन्होंने यहाँ ले लिए, देखो है ना, ये देखिए कौन से फोर्ट्स के नाम लिए इन्होंने, कहाँ गया येरा, सिंधुदुर्ग, जंजीरा, ये भी सारे मुरुद जंजीरा फेमस है, तो ये सारे भी सी फोर्ट्स है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या होगा, फिशिंग, तो इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, फिर एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया, तो यहाँ पे भी फिशिंग होता है एग्रीकल्चर होता है इन रीजन्स में अलीबाग में, तो वो लिखा है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं दिए, 5 क्वेश्चन दिए, इसके आंसर्स भी हमने प्रिपेयर किए इसका, आई सपोज इस इवन क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी यूट्यूब पे भी है, तो आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, हमारे ऐप पे भी है, उस पर भी आप ये आंसर्स वीडियो देख सकते हैं। तो आंसर्स आर एक्सप्लेन, हम जब क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि हम उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फील्ड विजिट, अब हम देख रहे हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट भी। लोकेशन एंड एक्सटेंट देखने से पहले थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स है वर्ल्ड के बारे में और इंडिया के बारे में भी जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो वर्ल्ड मैप अगर हम देखें ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, चैप्टर 2 ना, ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारी बुक भी हमें यूज करनी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए ये वाला जो पेज 9 है ना, सपोज ये वाला इंडिया, और ये आता 11, ये वाला जो मैप है ये आपको वर्ल्ड मैप है, ये आपको समझना जरूरी है, वर्ल्ड आउटलाइन मैप, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ठीक है, तो दिस इज द वर्ल्ड आउटलाइन मैप, मैं थोड़ा
ऊपर कर लो ना. यस यू कैन सी इट नाउ. यस ओके फाइन. तो ये हमारा कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है सो दिस इज पेज नंबर 12. तो पेज नंबर 12 पे ये मैप है. इस मैप में अभी आपको समझना है कि हमारा वर्ल्ड कैसा दिखता है. ये वर्ल्ड दिखाया हुआ है यहाँ पे. तो वर्ल्ड जो है हमारा, दिस इज एक्चुअली ऑन अ मैप. मतलब क्या है, आपको ये जो लेफ्ट साइड पे तो दिख रहा है ये जो एरिया, ये रीजन जो है, ये रीजन यहाँ पे कुछ यहाँ के खत्म कुछ नहीं हो रहा है. ये कहाँ है, ये जो लाइन है, दिस लाइन कनेक्ट विद दिस लाइन. मतलब जैसे आप ये पेपर आपके पास है मैप, इमेजिन करो आप ये मैप को सिलेंडर की तरह फोल्ड कर दो. तो ये जो है ना यहाँ पे कट गया, वो कट गया, वो हिस्सा यहाँ पे आ गया. मतलब ये दो लाइन एक्चुअली एक ही लाइन है. अगर आप ये इसको पेपर कट आउट करके इसको सिलेंडर बना देंगे पूरा, तो दो लाइन ज्वाइन हो जाएगी ना. मतलब ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, दो एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे अलग अलग लाइन नहीं है, दोनों एक ही लाइन है. तो वो ऊपर वहाँ पे मिलती है, पीछे जाके पूरा ऐसे सर्कल मिलेगी. तो ये एक्चुअली हमारा अर्थ है ना, अर्थ इज अ ग्लोब है ना, इट्स अ ग्लोब. तो यहाँ पे ये दो लाइंस अलग अलग नहीं है, दोनों लाइन एक ही है. और ये जो पूरी ऊपर की लाइन है ना, नॉर्थ में और साउथ में, ऊपर और नीचे, ये ऊपर की लाइन भी एक लाइन नहीं है, ये पूरी लाइन एक्चुअली एक पॉइंट है. सो दिस ऑल दिस एंटायर लाइन एक्चुअली इज अ पॉइंट, एंड नीचे की भी पूरी लाइन इज अ पॉइंट. ये बात समझो. तो हमने पूरा ग्लोब जो स्फीयर है ना, मतलब एक बॉल को ही हमने पूरा खींच के चोड़ मोड़ के ऐसा पूरा एक लंबा एक मैप बना दिया. तो मैप बनता है 2D मैप बनता है. ग्लोब जो होता है वो 3D होता है. तो एक्चुअली ट्रैवलर्स वगैरह के लिए 2D मैप इजी होता है कैरी करना, उसके अंदर समझना, इसीलिए पेज पे ऐसे बनाया जाता है. पर एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, ये ऊपर एक नॉर्थ पोल है और ये नीचे साउथ पोल है. तो इसको पूरा स्ट्रेच करके लाइन बना दिया, और ये दोनों लाइन एक ही लाइन है जिनको दो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐसे बताया है. तो ये हमारा अर्थ हो गया, मतलब पूरी दुनिया में ये है. इतना सारा ये जो ब्लू है ये पानी है ना, ये ब्लू पानी है, और वाइट जो है ये हमारा लैंड है. और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, आपको पता होना चाहिए 7 कॉन्टिनेंट्स है. कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स है, हमें इंडिया यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज इंडिया. ये एशिया है, दिस इज एशिया, ठीक है. ये जो इतना सा है ना सबसे छोटा ये पार्ट, ये इतना यूरोप है. ये अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया कंट्रीज है, यहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह भी है. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है. ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका. तो ये 5, 1, 2, 3 एशिया, 1 यूरोप, 2 अफ्रीका, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 नॉर्थ अमेरिका, 5 साउथ अमेरिका, 6 और लास्ट है एंटार्क्टिका, साउथ पोल में. यहाँ पे एंटार्क्टिका को इन्होंने कट ही कर दिया, दिखाया ही नहीं है क्लियरली. तो ये मैप भी पूरा, एक्चुअली पूरा मैप नहीं है, एक नीचे और एक पूरी पट्टी आनी चाहिए. यहाँ पे एंटार्क्टिका दिखता है, तो एंटार्क्टिका यहाँ पे होता है. तो ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स है अर्थ पे, है ना. तो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस भी है हमारा. यहाँ पे हमने देखा ना अभी अरेबियन सी, तो ये अरेबियन सी इधर है, ये इंडियन ओशन यहाँ पे नीचे, ये इंडियन ओशन है, ये है पैसिफिक ओशन. तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, यूरोप और अमेरिका के बीच में, यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच में यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन है. तो नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक 1, 2, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक 3, 4, इंडियन ओशन 5, और फिर यहाँ पे आर्कटिक, और यहाँ पे ये सदर्न ओशन. तो ये सारे ओशंस है, 7 ओशंस है, 7 कॉन्टिनेंट्स है. अब हमें जो है, हमें पूरी ज्योग्राफी बुक में, हमारा फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट होने के बाद पूरी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में कंपैरेटिव ज्योग्राफी है पूरी. मतलब क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं. एक कंट्री एशिया की है और एक कंट्री साउथ अमेरिका की है. साउथ अमेरिका ये पूरा है, इसमें इतनी सारी कंट्रीज है ना, आपको दिख रही है ये 1, 2 बॉर्डर्स दिख रही है ना, ये सारी कंट्रीज है ना. ये अमेरिका है, दिस इज अमेरिका है ना. सो दिस इज कैनेडा, ये अमेरिका है, ये पूरा नीचे अमेरिका है, ऊपर कैनेडा है, ये मेक्सिको है ना, ये यूरोप है, यहाँ पे ये ब्रिटेन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है ना, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये रशिया है, ये चाइना है, ये तो ऑस्ट्रेलिया हमने देखा. तो कंपैरेटिव ज्योग्राफी, एक कंट्री एशिया की और एक कंट्री साउथ अमेरिका की हो रही है कंपेयर. कौन सी, इंडिया, एशिया की, इंडिया है. वी आर कंपेयरिंग इंडिया विथ 1 कंट्री इन साउथ अमेरिका, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. ये कौन सी कंट्री है, ब्राजील. सो इंडिया और ब्राजील का कंपैरेटिव ज्योग्राफी होगा पूरे चैप्टर में, पूरे बुक में. तो ये चैप्टर भी इनका दोनों का कंपैरिजन है, फिजिकल कंपैरिजन है, लोकेशन एंड एक्सटेंट. तो ये हम देखेंगे. तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए. इसके अलावा ज्योग्राफी में जो है हमें इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पता होने चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से, ये देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ दिया है, 23.5 डिग्री साउथ दिया है. यहाँ पे एक बीच में भी एक लाइन होनी चाहिए, ये बीच की लाइन जो है ना, ये पूरी सीधी एक लाइन आनी चाहिए. तो मैं कैसे स्ट्रेच करूँ, स्ट्रेच करूंगी तो बहुत मोटी हो जाएगी शायद. ये पूरी एक लाइन आनी चाहिए.
पूरी यहाँ से लेके पूरा एंड तक आनी चाहिए. दिस लाइन इज द इक्वेटर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एंटायर ग्लोब. मतलब यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपके बुक में मैप दिया है ना, दैट इज नॉट कम्प्लीटली बीच से नहीं लिया इन्होंने. मतलब के बीच से नहीं लिया है, मतलब ये आधा हिस्सा ऊपर का दिया है, लेकिन नीचे का आधे हिस्से में ये नीचे का हिस्सा काट दिया. तो ये एक्चुअली हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ नहीं लिखता, ये लिखता है कि ऊपर बहुत ज्यादा है नीचे कम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. ऊपर जितना है उतना ही नीचे. तो नीचे का इतना हिस्सा ये रेड लाइन तक और एक हिस्सा होना चाहिए, एंटार्क्टिका दिखना चाहिए, लेकिन वो कट हो गया इनके बीच में. तो क्या होता है, मतलब 0 डिग्री लाइन है और फिर 23.5 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री है, पूरा ऊपर तक जाता है. तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे दिखाया गया है रेड लाइन, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, और ये जो लाइन है यहाँ से मैंने ये 0 डिग्री लाइन बनाई, ये क्या है, इक्वेटर. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. इस लाइन का नाम है, स्पेशल नाम जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये सब आपकी बुक में है, आपको ये सब ज्योग्राफी में आगे पढ़ना ही है. अगर अभी आप समझ लोगे तो आपके लिए तब बाद में इजी हो जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके. सो दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर. और यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. तो ये हो गया, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन से इसे याद रखना है हमें. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. अब आते हैं हमारे चैप्टर पे भी यहाँ पे. और इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, ये रेड लाइन जो है ये मिडल ऑफ इंडिया से पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ ब्राजील, और इक्वेटर भी नॉर्थ ऑफ ब्राजील से पास हो रहा है. तो ब्राजील से दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है ना, ये स्लीपिंग लाइन्स है, इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं. स्टैंडिंग लाइन्स जो करते हैं ना, हम उसे लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं. अगर आपने गूगल मैप या अगर अभी यूज़ किया होगा ऐसे ऐप्स, तो उसमें भी आपको दिखता है ना, कोई भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देते हो. तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलता है, उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे. मतलब पूरे ये मैप को, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है, स्लीपिंग लाइन्स इतनी सारी और स्टैंडिंग लाइन्स इतनी सारी. और फिर हर एक जगह को एक पॉइंट पर तो होगी ना, तो वो जगह का एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब उसका एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बता दो, तो हम कोई भी लोकेशन वर्ल्ड पे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि इस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे जगह, मतलब स्लीपिंग ऑन लाइन और स्टैंडिंग लाइन जहाँ मिलती है. तो हर एक स्लीपिंग लाइन जो है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्लीपिंग लाइन्स को नाम दिया जाता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, इसको भी मैं नाम दूँ, दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर, ठीक है. तो ये हो गया. और लॉन्जिट्यूड्स भी होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स भी आपको आएगा आगे चैप्टर में, जब लास्ट चैप्टर आपका था ना ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तब उसमें है कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है वगैरह, तो वो आप आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है. तो ये आपका बेसिस है, इस बेसिस पे आप अपना सेकेंड चैप्टर इजिली स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील. तो ये इंडिया एंड ब्राजील के दो मैप्स दिए गए हैं, ये देखिए है ना, ये फ्लैग्स है, द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड फ्लैग ऑफ ब्राजील यहाँ पे. और यहाँ पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हमें पता होना चाहिए. लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज चाइना, और ब्राज़ील जो है दैट इज़ नॉट द पॉपुलेशन, उसका इतना ज़्यादा नहीं है, एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया इंडिया से भी ज़्यादा है. फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज इतना पॉपुलेशन वहाँ है नहीं, क्योंकि अमेजॉन फॉरेस्ट वगैरह है, हम आगे देखेंगे. सांबा डांस ब्राज़ील का काफ़ी फेमस है, कॉफ़ी यहाँ की काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे जो स्पोर्ट खेला जाता है और स्पोर्ट बहुत देखा जाता है वो है फुटबॉल. ब्राज़ील इज नोन फॉर फुटबॉल, एंड इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है, वहाँ पे फुटबॉल. और इंडिया में स्पाइसेस के लिए फेमस है इंडिया, और ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए, इट्स कॉल्ड कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. तो तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है हमारे कंट्रीज़ के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के बारे में. तो ये हमें पता होना चाहिए, फिर आगे हम पूरा पढ़ेंगे इंडिया के बारे में डिटेल्स, ब्राज़ील के बारे में डिटेल्स. तो ये चैप्टर टू का कवरेज है, ठीक है. तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है, हमारा टाइम हो गया है. So that is where we end. And for further videos or further queries also, आप हमें YouTube पे भी comment कर सकते हैं, हमारे number पे भी आप हमें call करके comment कर सकते हैं, यहाँ हमारा number भी है आपके सामने. So you can call us and
यू नो हैव योर डाउट्स क्लियर्ड ओवर हियर टू. आपको जो भी डाउट्स कुछ होगा तो आप इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट भी दी गई है यहाँ पे, तो अगर आप उस पे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपके हम जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं. कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि आप हमें ज्वाइन करो तो ही हम आपकी सारी मदद करेंगे. आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप उधर कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वट एवर कोर्स यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन एनरोल फॉर दैट ऑल्सो. सो विशिंग यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.